सर अगर क्वालिटी मैनेजर से किस किस तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं? क्वालिटी मैनेजर से क्या है डॉक्यूमेंट, सबसे पहले ऑडिटर आएगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मांगेगा, आपके अपने एम्प्लॉय की लिस्ट दो, एम्प्लॉय की लिस्ट आपका किसमें मिलेगा, फाइल नंबर वन में मिलेगा। फिर इसके बाद दोबारा क्या आपका लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट मांगेगा, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी कौन किसमें है, फाइल नंबर वन में। तो सारा जैसे मैंने आपको सुबह बताया था ये क्या एक्युमुलेशन फर्नेस ये है, सारी जगह लेवलिंग माइक्रो बैलेंस ये है वो देखेगा। फिर उसके बाद उसके कैलिब्रेटेड है कि नहीं वो भी दिखाना पड़ेगा। तो उन सबके सारे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ रखे हुए हैं, फाइल नंबर 11 में रखे हुए हैं कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास। फिर SRM है कि नहीं है, SRM के सर्टिफिकेट कहाँ मिलेंगे, फाइल नंबर 11 में मिलेंगे। फिर इसके बाद CRM मतलब सर्टिफाइड रेफरेंस मटीरियल। सर्टिफाइड रेफरेंस मटीरियल क्या होता है हमारा, क्या है गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड जो लैब में यूज करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिलेगा, फाइल नंबर 11 में मिलेगा। स्टैंडर्ड रेफरेंस मटीरियल अभी हम मैंने इसके बाद आपको ऑडिटर क्या पूछेगा, आपने जो IQA क्या होता है, इंटरनल क्वालिटी अभी ऑडिट हमारी होती है, एक एक्सटर्नल ऑडिट होती है वो BIS करती है हमारी ऑडिट, और इंटरनल ऑडिट हम खुद करते हैं। जैसा कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन CEO होता है, CEO के अंदर हमारा क्या रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज होता है, क्वालिटी मैनेजर होता है और AC सेक्शन होता है। तो क्या AC सेक्शन एक सेपरेट सेक्शन है, आप AC सेक्शन वाला आपके मैनेजमेंट भी की इंटरनल ऑडिट करेगा, मैनेजमेंट का करेगा, टॉप मैनेजमेंट का करेगा, XRF का करेगा, लेजर का करेगा, सैंपलिंग जो कि क्वालिटी मैनेजर का सेक्शन है। अब क्वालिटी मैनेजर किसकी ऑडिट करेगा, AC सेक्शन की, और उसके टेक्नीशियन की भी ऑडिट करेगा। जैसा कि मैंने कल करवाया था फाइल नंबर जब IQA हो जाएगा, IQA करने के बाद हम MRM करेंगे। IQA में हम हो सकता है हमारी कुछ गलतियाँ मिलेंगी तो अगर कहाँ पे गलतियाँ मिली तो उस मीटिंग बैठाया जाएगा मीटिंग में, पर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग IQA के बाद हमने फाइल नंबर 2 में MRM करवा के फाइल कर रखवाया था, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। मतलब जो अपने ऑडिट किया जो भी कमियाँ मिली वो डिस्कस किया जाएगा, ये कमियाँ क्यों हो रही हैं, अगर ये लगातार हमारी कमियाँ रहेगी तो हमारे अच्छे कस्टमर को अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, तो उस कमियों को सुधारने के लिए हम करेक्टिव एक्शन, उसको बोलते हैं CA करेक्टिव एक्शन, और हमारी गलतियां ना हो उसके लिए हमारा प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं। गलतियां ना हो मतलब गलतियां कैसे हो, हमारे लैब में दो तरह से गलतियां होती हैं, पहला मशीन गलतियां करती हैं, दूसरा बंदे गलतियां करते हैं। बंदे गलतियां करते हैं उनको सुधारने का क्या तरीका, उनको ट्रेनिंग दो, मतलब उनको ट्रेनिंग की कमी है उनको ट्रेन करेंगे। बंदे मशीनें गलतियां करते हैं मतलब उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड हमारे पास होने चाहिए, कैलिब्रेटेड होने चाहिए। कैलिब्रेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट देते हैं स्टैंडर्ड होता है उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो हम मशीनों को कैलिब्रेट करवा के रखेंगे, और हमने हमारे पास खुद हमारे पास कैलिब्रेटेड बेड्स बैलेंस को टेस्ट करने के कैलिब्रेटेड बेड्स होना चाहिए वो हमारे पास है, और हमारे पास XRF को टेस्ट करने के लिए हमारे स्टैंडर्ड रेफरेंस मटीरियल होना चाहिए, CRM होना चाहिए, वो सारे पास हमारे पास हैं, उसको हम रेगुलर चेक करेंगे, ठीक है। इससे हम मशीनों को पकड़ सकते हैं कि हमारी मशीनें सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। ये क्या और एक हमारे पास ILC की फाइल है, ILC हम साल में ILC एक बार करते हैं, इंटर लेबोरेटरी कंपेरिजन होता है, उसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। तो ऑडिटर तो आपसे मांगेगा ILC करवाया है कि नहीं, तो ILC के पूछना पड़ेगा ना, हाँ बाद में निकालते हैं ना, बाद में निकालते हैं, हाँ बाद में निकालते हैं, ठीक है। ILC इंटरव्यूज पे हम ILC में अपना सैंपल लेते हैं, अपने यहाँ भी टेस्ट करते हैं, और 5 आउटसाइड लेबोरेटरी को भी टेस्ट से करवाते हैं, ठीक है। और उसमें सबका रिजल्ट सेम आना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड ISO नॉर्म, उसमें डिफरेंस कितना 0.5 डिग्री के अंदर आना चाहिए, जैसे कि हमारा IS 14 18 बोलता है। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड फॉर एसिंग क्या है, IS 14 18 है, हम जो हमारे टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसको किस अकॉर्डिंग चलाते हैं, IS 14 18 के अकॉर्डिंग चलाते हैं। जो हमारा मार्किंग स्पेसिफिकेशन दिया है वो मार्किंग स्पेसिफिकेशन किसमें है, IS 14 17 में दिया है, ठीक है। और हमारी ILC की फाइल कहाँ, ILC की रिपोर्ट किस में रखते हैं, फाइल नंबर 13 में रखते हैं। और जो हम BIS को लेटर वेटर भेजते हैं, एप्लीकेशन भेजा हुआ है, वो फाइल नंबर कितने में है,
फाइल नंबर 14 में BIS का रेस्पोंडेंस, ठीक है। अब हमारे बारे में इसके बाद हमारा फाइल नंबर 1 है मास्टर कॉपी ऑफ मैनुअल वर्कशीट फॉर्मेट, हमारे जितने फॉर्मेट हैं वो फाइल नंबर 1 में दिए गए, ठीक है। फाइल नंबर 1 में क्या है, मास्टर कॉपी ऑफ मैनुअल वर्कशीट फॉर्मेट, इसमें हमारे जितने लेबोरेटरी में जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं वो रखा है, हमारा क्वालिटी मैनुअल है और हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन, सबका रिसीविंग का प्रोसेस कैसे होता है, एक्सरा का प्रोसीजर कैसे होता है, सैंपलिंग का प्रोसीजर कैसे होता है, ठीक है, लेजर मार्किंग का प्रोसीजर क्या है, वो सारे वर्क इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा, मतलब सारे इंस्ट्रक्शन इसमें होते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन, हमारा मैनुअल, हमारा काम करने का तरीका कैसे है, वो सारी चीजें हमारी फाइल नंबर 1 में है। इसमें हमारा क्या क्वालिटी मैनुअल है, हमारे फॉर्मेट्स हैं, हमारे वर्क इंस्ट्रक्शन है। फिर हमारे फाइल नंबर 2 का नंबर आता है, फाइल नंबर 2 में क्या है, फाइल नंबर में 2 में उसको मेमोरम की फाइल बोलते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग फाइल, जब हम मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं तो उसके मिनट्स बनाते हैं, जो ऑडिट का हुआ उसका क्या था, जो सारा डिस्कस हुआ उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। पहले हम मिनट्स नोटिस निकालते हैं, उसमें फॉर्मेट नंबर 02 है, ठीक है, फॉर्मेट भी उसको क्या बोले मीटिंग नोटिस। पहले अगर आपको मीटिंग करना है तो आपको ना अपने बंदों को नोटिफाई करोगे किसी, उनको पता होगा कल मीटिंग है, मीटिंग का उनको मीटिंग कहीं भी कर सकते हैं, किसी होटल में जाके मीटिंग कर सकते हो, अपने सेंटर पे भी मीटिंग कर सकते हो। मीटिंग में क्या डिस्कस करते हैं, जो हमारी गलतियां हो रही हैं, गलतियों को सुधारा कैसे जाए उसको डिस्कस करेंगे, उसको सुधारने का तरीका निकालेंगे, सुधारने का प्रोग्रेस करने का हमारा उसको प्रिवेंटिव एक्शन प्लान बनाना है, वो गलतियां ना हो उसको बोलते हैं PA। तो सर PA मतलब प्रिवेंटिव एक्शन। हाँ बोलो क्या बोलो सर। ये मीटिंग की नोटिस कौन भेजता है? क्वालिटी मैनेजर। ये क्वालिटी मैनेजर हेड होता है, सारे डिसीजन क्या क्वालिटी मैनेजर और टॉप मैनेजर। मीटिंग नोटिस कौन निकालेगा? क्वालिटी मैनेजर निकालेगा। और सबको नोटिफाई करेगा कौन? क्वालिटी मैनेजर। अपने सारे स्टाफ को बताएगा हमने कल मीटिंग रखी है, मीटिंग इतने बजे रखी है, मीटिंग का वो वेन्यू कहाँ है, वेन्यू मतलब कहाँ रखा है, मीटिंग कहाँ करनी है, अपने ऑफिस में करनी है, ऑफिस में कर सकते हैं, किसी होटल में जाके मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग, F04 फॉर्मेट नंबर F04 में मिनट्स ऑफ मीटिंग, आपने कितने टाइम मिनट मीटिंग की, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया, वो सारा उसमें लिखोगे, नोट करेंगे। इसके बाद फाइल नंबर आपकी 3 है, ट्रेनिंग की फाइल, आपकी जितनी आपके स्टाफ को आपने ट्रेनिंग दिलवाई होगी तो आपका ट्रेनिंग कौन देगा, जो पहले से प्रोफिशिएंट होगा, तो मैं जैसे हूँ आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आपका ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट बना के फाइल नंबर 3 में रखा हुआ है, ऑडिटर मांगेगा आपको अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ से ट्रेनिंग ली आपने, आप लोगों ने, सब लोगों ने इन हाउस ट्रेनिंग ली हुई है, किसने दिया है, अजीत प्रताप यादव ने आपको दिया ट्रेनिंग, ठीक है। ये फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 4 क्या है, कस्टमर फीडबैक, ठीक है। कस्टमर फीडबैक अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास कस्टमर आ ही नहीं रहा है, तो कहाँ से फीडबैक लोगे, ठीक है। फिर 5 नंबर फाइल है पर्चे का, आज ऑर्डर बनाए पर्चे निर्णय और पर्चे ऑर्डर का, 5 नंबर फाइल निकालो, तीन नंबर तो फाइल का देखा था, 4 नंबर भी दिखा, देख लो, 3 नंबर निकाल के देखिए, फाइल नंबर 1 0 देख लिया, 1 देख लिया, 2 भी देख लो, पहले 2 भी दिखाओ, 2 दिखाता, फाइल नंबर 2 दिखाओ। अब देखो फाइल नंबर 2 है MRM की फाइल, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की फाइल, ठीक है। फाइल नंबर 2 क्या, मैनेजमेंट रिव्यू की फाइल है। मैनेजमेंट रिव्यू क्या होता है, जब हम कोई गलती हमारा क्या, जब हम मीटिंग जुड़ा कुछ गलतियां हो गई हैं और सबसे डिस्कस करना है, तो हम इस फाइल में क्या है, हमारा फॉर्मेट होता है मीटिंग नोटिस, ये है मीटिंग नोटिस फाइल, ये मीटिंग नोटिस फॉर्मेट नंबर 04 है। यहाँ पे हमने क्या मीटिंग 28 को एक हमने मीटिंग शेड्यूल किया था, 10:30 बजे किया था, कहाँ पे, आर्य और मार्किंग सेंटर के ऑफिस में किया था, और किसके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई थी, हमारे प्रोप्राइटर द्वारा, पार्टनर द्वारा, ठीक है। और यहाँ अंकित क्वालिटी मैनेजर, किसने मीटिंग करवाई थी, क्वालिटी मैनेजर कौन रिस्पॉन्सिबल था, अंकित सिंह, नोटिस किस एक दिन पहले नोटिस निकालना पड़ेगा, 29 को मीटिंग, यहाँ 28 नहीं है, यहाँ पे 29 करना पड़ेगा, ठीक है, 28 को मीटिंग, 29 को मीटिंग है, तो 28 को नोटिस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे डेट ऑफ मीटिंग क्या, 29 को थी, ठीक है, मीटिंग शेड्यूल एंड डेट 29, ठीक है। और मीटिंग की डेट क्या होगी, 29 थी, कहाँ प्लेस, कहाँ पे मीटिंग होगी, आर्य हॉल मार्किंग सेंटर पे मीटिंग होगी, इतने मेंबर प्रेजेंट होंगे,
ये 10 मेंबर हमारे पास हैं, 10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और इसके सबके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। जो जो मीटिंग में प्रेजेंट होगा सबके सिग्नेचर होगा। अब ये कौन सी मीटिंग थी, हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, इसमें हमारा रिपोर्ट फ्रॉम रिसीविंग डिस्पैच टेस्टिंग एक्सआरएफ एंड मार्किंग सेंटर से सबकी से रिपोर्ट मांगी गई। उनकी रिपोर्ट क्या है, अभी न्यू सिस्टम है हमारा, अभी हमारा वॉल मार्किंग नहीं है, तो न्यू सिस्टम लिख दिया। नीड फॉर प्रिवेंटिव एक्शन, ट्रेनिंग अटेंड, हमने अभी ट्रेनिंग अटेंड की है, ट्रेनिंग अटेंड कर ली। फिर इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट का एनसी, हमने इंटरनल ऑडिट इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट किया, उसमें कोई भी एनसी नहीं मिला, ठीक है। तो नो एनसी फॉर्म, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन यहाँ आगे है, नो एनसी फॉर्म, ठीक है। और आई सी रिजल्ट, आई सी अपने मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है, आई सी हमें साल भर में करवा था, आई सी हमने करवाया था सेटिस्फैक्ट्री सा रिजल्ट ऑफ इंटरनल क्वालिटी ऑडिट चेक। जब हमने इंटरनल क्वालिटी ऑडिट को चेक किया तो उसके रिजल्ट हमें क्या ठीक मिले, ठीक है। कंप्लेंट एंड फीडबैक, हमारे चेंजिंग सिस्टम, अभी कोई सिस्टम में चेंज है, न्यू सिस्टम है हमारा, ठीक है। कंप्लेंट एंड फीडबैक, नो कंप्लेंट एंड फीडबैक विल बी ऑपरेट आफ्टर कमर्शियल वर्क स्टार्ट, जब हमारा कमर्शियल वर्क स्टार्ट हो जाएगा तब हम फीडबैक, अभी किसे फीडबैक नहीं, हमारे पास कस्टमर नहीं है क्योंकि हमारा काम नहीं चला, हमारा भी न्यू सिस्टम, अभी हमारा टेक्निशियन नहीं है। फिर थ्रू स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर, हमारा जो प्लान है सुटेबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एनी अदर पॉइंट, नो एनी अदर पॉइंट, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये फाइल नंबर 2 की कौन सी फाइल है, हमारा मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की फाइल। अब फाइल नंबर 3, फाइल नंबर है तो 3 फाइल है, इसको ट्रेनिंग की फाइल बोलते हैं। फाइल नंबर 3 ट्रेनिंग की फाइल बोलते हैं। ट्रेनिंग में हम क्या, जब भी कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं वो सारी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड किसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग की फाइल में रखते हैं। जो हमने इन हाउस ट्रेनिंग लिया है वो हमने क्या किसका, ऑपरेशन ऑफ फॉर मार्किंग सेंटर के लिया है। इंटरनल क्वालिटी ऑडिट करने का ट्रेनिंग लिया हुआ है। इंटरनल ऑडिट कैसे होती है, इंटरनल ऑडिट के लिए हमारे पास इंटरनल ऑडिटर होने चाहिए, हमारे पास 2 इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर है, एक क्वालिटी मैनेजर है अंकित सिंह, दूसरा हमारा इंटरनल ऑडिटर है कौन, योगेश पांडे जो है इसी सेक्शन का हेड है। तो जो सेक्शन का हमारा जो मैनेजमेंट का हेड एक्सआरएफ सैंपलिंग का हेड क्वालिटी मैनेजर होता है, तो 2 लोग हमारे इंटरनल ऑडिटर होते हैं, एक हमारा क्वालिटी मैनेजर है वो अंकित सिंह है, और दूसरा हमारा जो है ऐसे सेक्शन का हेड है वो कौन है, दुर्गेश पांडे। ये दोनों हेड हैं, जो हेड है वो हेड ही क्या है, इंटरनल ऑडिटर बनता है, इंटरनल ऑडिट करते हैं। और ये ट्रेनिंग की फाइल है, तो हमारे ये ट्रेनिंग की फाइल है, ट्रेनिंग में हमने इन हाउस ट्रेनिंग लिया है, 27 से लेके हमारी क्या है 29 तक ट्रेनिंग हुई है, ठीक है। 26 तारीख से ट्रेनिंग हुई थी हमारे, 26 से 29 से सारा ट्रेनिंग रिकॉर्ड, जिसमें इंजीनियर बंदर ट्रेनिंग में प्रेजेंट हुआ, ट्रेनिंग हमारी क्या रही, इफेक्टिव रही। ट्रेनिंग हमारे ट्रेनर के कौन थे, अजीत प्रताप यादव थे। अगर आप लोगों को भी किसी बंदे को हरमार्किंग ट्रेनिंग देना है तो आप उनसे ले सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर है 9811512894 और उनका अटर्न नंबर है 9811512895। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए अभी बंद नंबर तो आप भी ले सकते हैं। आप फाइल नंबर 4 आएगा, फाइल नंबर 4 निकालो, फाइल नंबर 4 है कस्टमर फीडबैक। अभी हमारा काम शुरू नहीं हो रहा, ये कस्टमर फीडबैक की फाइल है, फाइल नंबर 4 बोलते हैं कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक में हम क्या, कस्टमर से फीडबैक लेते हैं और हमारा काम करने का तरीका कैसे, उसमें क्या क्या चेक करते हैं कस्टमर, हमें क्या कस्टमर को हमें उसमें क्या क्या डेटा देते हैं कस्टमर को, या कस्टमर का नेम लिखते हैं कस्टमर फीडबैक में, टेलीफोन नंबर लिखते हैं, तो हमारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, बिहेवियर ऑफ द पर्सन एट द सेंटर, हमारे पर्सन जो रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज था उसका बिहेवियर कैसा था, एक्सीलेंट था, वेरी गुड था, गुड था, एवरेज था, पुअर था, तो एक मार्क देगा। फिर दूसरा डिस्क्रिप्शन में दूसरे पैरामीटर है टाइम टेकन टू एक्सेप्ट द जॉली, उसने टाइम कितना लिया जॉली एक्सेप्ट करने में, आपको उसका आप जब जितना टाइम लिया आपको क्या उसको दोगे, एक्सीलेंट दोगे, वेरी गुड दोगे, गुड दोगे, एवरेज दोगे, पुअर दोगे। तीसरा पैरामीटर क्या चेक करोगे, टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ जर्ली, उसने कितने टाइम में आपको जर्ली डिलीवरी कर दी, एक्सीलेंट दोगे, वेरी गुड दोगे, गुड दोगे, एवरेज दोगे या पुअर दोगे। चौथा पैरामीटर क्या, टोटल टाइम टेकन फॉर हॉलमार्किंग, हमारे सेंटर ने टोटल टाइम हॉलमार्किंग में कितना लिया, आप उसको क्या दोगे, एक्सीलेंट दोगे, वेरी गुड दोगे,
गुड दोगे, एवरेज दोगे या पुअर दोगे। और पांचवा पैरामीटर हॉलमार्किंग क्वालिटी, आपके सेंटर की हॉलमार्किंग क्वालिटी कैसी है हमारे सेंटर की, आप उसको एक्सीलेंट दोगे, वेरी गुड दोगे, गुड दोगे, एवरेज दोगे या पुअर दोगे। अब पांचवा पैरामीटर, नेक्स्ट पैरामीटर है हैंडलिंग ऑफ ज्वेलरी एट आवर सेंटर, आपको की ज्वेलरी हमारे सेंटर में कैसे हैंडल की गई, आप उसको एक्सीलेंट दोगे, वेरी गुड दोगे, गुड दोगे, एवरेज दोगे या पुअर दोगे। और चौथा एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट, आप हमारे सेंटर की एक्यूरेसी क्या थी आप बताओगे, कस्टमर बताएगा, मतलब उसको अगर आपको क्या दोगे, एक्सीलेंट दोगे, अपना रिमार्क क्या दोगे, एक्सीलेंट दोगे, वेरी गुड दोगे, गुड दोगे, एवरेज दोगे या पुअर दोगे, ठीक है। इसके बाद रिस्पांस टू क्वेरी, अगर आपने कोई कुछ आपकी क्वेरी थी कुछ, उन्होंने रिस्पांस कितने टाइम में दिया, उसको क्या दोगे, उसका रिमार्क क्या दोगे, एक्सीलेंट दोगे, वेरी गुड दोगे, गुड दोगे, एवरेज दोगे या पुअर दोगे। और नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड, अगर हम एक से लेकर दस नंबर तक हमारा वो नंबर है, अगर एक नंबर है एक से लेकर जैसे जैसे ज्यादा नंबर है वो हाईली सेटिस्फाइड, एक से दस नंबर तक हमने बनाया, अगर हमें कस्टमर दस नंबर देता है तो मतलब हाईली सेटिस्फाइड, अगर वन नंबर वन मार्क एंट्री करता है मतलब वो डिसेटिस्फाइड या नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, ठीक है। ये फाइल नंबर चार हमारी फीडबैक की फाइल है, ठीक है, ये फाइल बैक। तो अब हमारा फाइल नंबर पांच निकालो, पांच है परचेज, फाइल नंबर पांच है परचेज इंडेंट और ऑर्डर। अगर परचेज ऑर्डर और इंडेंट कब बनाते हैं, जो जितने आपके पास क्या, अगर किसी को सामान भेज, जैसे हमारा लैब में कंज्यूमेबल मटेरियल चाहे डिस्टिल वाटर चाहिए होता है, 1986 चाहिए होता है, ये किसको चाहिए होता है, ऐसे मासूल, अगर किसी भी इम्प्लॉई को आपको एक सारा भी चार्ज है जैसे उसको क्या चाहिए, रेफरेंस स्टैंडर्ड चाहिए, अगर आपके रेफरेंस में खरीदा था हो गया तो नया रेफरेंस स्टैंडर्ड मंगाना है तो आपको वो क्या करेगा, आपको परचेज इंडेंट बना के क्वालिटी मैनेजर को देगा, फिर क्वालिटी मैनेजर क्या परचेज ऑर्डर बनाएगा, परचेज ऑर्डर बना के अपने टॉप मैनेजमेंट से अप्रूव करवाएगा अपने मतलब ऑनर से, अप्रूव होने के बाद वो आप मंगवाओगे। तो फाइल नंबर पाँच थी, इसमें फॉर्मेट नंबर 15 और 39 है, परचेज इंडेंट और परचेज ऑर्डर, ठीक है। अभी इसको ले सर, क्या ये सारी फाइलों की जानकारी ऑडिटर क्वालिटी मैनेजर से लेता है? हाँ, ये सारी जानकारी ऑडिटर क्वालिटी मैनेजर ही लेता है, सारी फाइलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्वालिटी मैनेजर, जो गैस ऑडिटर फाइलों के बारे में क्वालिटी मैनेजर से ही पूछेगा। अब फाइल नंबर छह निकालो, फाइल नंबर छह को बोलते हैं लिस्ट ऑफ सप्लायर, जितने भी हमारे सप्लायर हैं, जैसे हमने किसी और लेजर मार्किंग मशीन खरीदा हुआ है, ठीक है, एक्सआरएम मशीन खरीदा हुआ है, एक्सआरएम मशीन मतलब गोल्ड टेस्टिंग मशीन, माइक्रो बैलेंस खरीदा हुआ है, फर्नेसेस खरीदी हुई है, तो उनकी एक लिस्ट बना के रखेंगे हम। लिस्ट बना के क्यों, लिस्ट में क्या क्या होगा उनका, हमने क्या क्या किससे क्या क्या प्रोडक्ट खरीदा है, क्या क्या सर्विसेज खरीदी हुई है, उनके नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। अगर उनका कॉन्टेक्ट नंबर हम नहीं रखेंगे तो हमें क्या दिक्कत आएगी, अगर मशीन खराब हो गई, उनका नंबर नहीं है मेरे पास, तो कहाँ से नंबर। इसीलिए जितने भी सप्लायर हैं उनके हमने उनसे, हमारे दो तरह के सप्लायर हो गए, या तो उनसे हम गुड्स बाई करते हैं या सर्विसेज बाई करते हैं, ठीक है। और मार्केट में दो ही चीजें बिकती है, या तो गुड्स बिकता है या सर्विस बिकती है, तो हम या तो किसी से क्या सप्लायर से हम क्या गुड्स बाई करते हैं, सर्विसेज बाई करते हैं, तो जो जिससे भी बाई किया है उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर जो भी है वो अपने इस फाइल में रखेंगे। इस फाइल को क्या बोलते हैं, फाइल नंबर 6, इसमें फॉर्मेट होता है F13 और 16-17 सप्लायर्स, ठीक है, जो फॉर्म वो सप्लायर की लिस्ट होती है, जो फॉर्मेट नंबर क्या होता है 13 होता है, उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ सप्लायर, उसमें सीरियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफरिंग, सर्विस, सप्लायर नेम, फोन और एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। मतलब जो जो चीज के जो जो सप्लायर हैं उनकी पूरी डिटेल इसमें होगी सर? हाँ, जिससे जिससे भी आपने सप्लाई की है उसकी एक, उसका नाम, एड्रेस लिख लो, और उनसे क्या क्या सर्विसेज खरीदी है उसकी एक, जो आपके परचेज बिल की फाइल का उसका फोटो लेके इसमें लगा, फोटो कॉपी, ठीक है। ये अब फाइल नंबर 7,
फाइल नंबर 7 है जॉब डन, जो हम डेली रूटीन का काम करते हैं, जैसे कि हम टेस्टिंग के लिए करते हैं, जैसा कि हमने सुबह रिसीविंग उसीविंग करते हैं, जो डेली का भी हमारा रिजर्वेशन प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करने के लिए हमें रिसीविंग का फॉर्म भरते हैं, जॉब कार्ड भरते हैं, फारेसी हमारा फारेसिंग मास्टर क्या मास्टर रोज टेस्टिंग करता है, टेस्टिंग करके हमें क्वारेंट वारेंट चेक ऐसे देता है और एलॉय का भी सैंपल देता है, तो चेक ऐसे का हमें 30 ऐसे का रिकॉर्ड हमने इस फाइल में रखना है विथ सैंपल। तो जैसा देख रहे हो ये सैंपल इसमें रखा हुआ, तो हमारा लास्ट 30 ऐसे का सैंपल हमारे पास इस तरह से पंच करके इसमें रहना। तो ऑडिटर जब आपका सरप्राइजिंग ऑडिट होगा तो आपका ऑडिटर इसको देखेगा, अगर ये लास्ट 30 देखे ऐसे नहीं मिलते हैं तो आपका रिकॉग्निशन कैंसिल हो सकता है। तो ये है हमारा जॉब डन फाइल, हमारी रिपोर्ट की फाइल एक तरह से बोलते हैं। इसमें कौन कौन से फॉर्मेट है, F22, F23, F24S, F25 और 26 जॉब डन, इस फाइल का बोलते हैं जॉब डन फाइल, मतलब हमारी जो डेली की टेस्टिंग होती है उसकी रिपोर्ट की फाइल है ये फाइल रखते हैं। अगर इसमें इस फाइल में कोई डाउट है आपको, नो सर ठीक है, कोई डाउट हो फाइल नंबर 1 से 7 तक तो पूछ सकते हो आप। हाँ, अब हमारा फाइल नंबर 8 है टेस्ट सर्टिफिकेट। टेस्ट सर्टिफिकेट हम कब बनाते हैं, जब हमने जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, जब इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन हम इंटर लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं तो हम एक 5 सैंपल लेते हैं, वो हम 5 आउटसाइड लेबोरेटरी से टेस्ट करवाते हैं और अपने यहाँ पे भी टेस्ट करते हैं। तो उसका फॉर्मेट है, उसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, वो फाइल है टेस्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट है। इसमें उसमें क्या लिखा है, टेस्ट आर्टिकल का आपको रिसीव कब हुआ वोट आएगा, इसमें क्या क्या आता है, नेम आर ए हॉल मार्किंग सेंटर आएगा, इसका ईमेल आईडी सब कुछ लिखा हुआ है, डेट ऑफ आर्टिकल रिसीव डेट, आपने किस डेट में रिसीव किया, किस डेट में टेस्ट किया, उसकी टेस्ट किससे टेस्ट आपने रिसीव टेस्ट किससे किया रिसीव, और उसकी प्योरिटी क्या आई, उसका फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू मीन वैल्यू आई, आपको उसको क्या है अपने सैंपल कितना निकाला लिया था, सैंपल बाद में क्वार्टर कितना वापस किया, बैलेंस सैंपल कितना वापस किया, ये सारी चीजें इसमें आएगी। तो फाइल नंबर क्या है, 8 है टेस्ट सर्टिफिकेट, जो भी हम टेस्ट करने के बाद हम एक टेस्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसमें हमारा टेस्टिंग रिपोर्ट होगी, तो उसको फाइल नंबर 7 में रखेंगे। इसमें कोई डाउट है आपको? यस सर, ये जो फाइल नंबर 8 है इसमें जैसे कि हर रोज जो टेस्टिंग हो रही है, हाँ, जो टेस्टिंग हो रही है, जब ये फाइल नंबर 7 में दिया तो उसका एक रिपोर्ट भी बनाते हैं, अच्छा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बना देते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, वो मैं रिपोर्ट को अभी आप डिटेल में मैं बाद में दिखा दूंगी जब हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है, ओके सर। तो ये फाइल नंबर 7 में क्या हम रखते हैं, टेस्ट सर्टिफिकेट रखते हैं, ठीक है, जितने भी टेस्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे हम इस फाइल नंबर में रखेंगे, कौन सी फाइल नंबर में, 8, फाइल नंबर 8 में। अब हमारा फाइल नंबर 9 आता है, फाइल नंबर 95 है इंटरनल क्वालिटी ऑडिट, जैसा कि हम लोगों ने कल इंटरनल क्वालिटी ऑडिट की थी, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट में दो हमने जैसा कि इंटरनल ऑडिट में क्या है कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट नंबर 31, 32, 33, 37, 38, इसको आईक्यू का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट कौन करता है, दो तरह की ऑडिट होती है, एक्सटर्नल ऑडिट होती है और इंटरनल ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट हम क्या खुद करते हैं, हमारे इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, क्वालिटी मैनेजर होता है, जो किसकी ऑडिट करता है, एसएस सेक्शन की ऑडिट करता है, और हमारा एक ऐसे इंचार्ज ऑडिटर होता है, वो किसकी ऑडिट करता है, टॉप मैनेजमेंट की ऑडिट करता है, मैनेजमेंट की ऑडिट करता है, क्वालिटी मैनेजर की ऑडिट करता है, एसआरएफ की ऑडिट करता है, लेजर की ऑडिट करता है, सैंपलिंग की ऑडिट करता है, ठीक है। तो ऑडिट के करते समय हम कुछ फॉर्म भरेंगे, ऑडिट का शेड्यूल होता है, हम साल भर में 2 बार ही ऑडिट करते हैं, 6 महीने में 1 बार ऑडिट करते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मेट है इसको बोलते हैं फॉर्मेट F31 ऑडिट शेड्यूल, यहाँ पे ऑडिट शेड्यूल 2022 का ऑडिट शेड्यूल है, हमने अभी ऑडिट कब किया है, मार्च में किया, अभी हमारा ऑडिट ड्यू कब होगा, सितंबर में होगा, ठीक है, अगर ये डबल क्रॉस है मतलब ऑडिट हो गया है, सिंगल क्रॉस पे ऑडिट डन है। इसके बाद हमारे पास फॉर्मेट नंबर क्या है, F32 है, जिसमें क्या है लिस्ट ऑफ ऑडिटर है, हमारे कौन कौन से ऑडिटर है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है F37 ऑडिट रिपोर्ट, हमने किसकी मैंने टॉप मैनेजमेंट की ऑडिट किया, मैनेजमेंट की ऑडिट किया, ऐसे की ऑडिट हुई, सब में किसी भी ऐसी कोई भी नॉन कॉन्फॉर्मिटी नहीं मिली, मतलब हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है। ये ऑडिट चेक लिस्ट है 1-5 नंबर के, इसमें पेजेज है, तो हमने देखा
और जो सारी कमियां हमें सारी लगी वो हमने इसमें लिखा। तो ये आईक्यू है, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट होती है। इंटरनल क्वालिटी ऑडिट साल में कितनी बार होती है? दो बार, छह महीने में एक बार। ये ऑडिट कौन करता है? हमारे इंटरनल ऑडिटर करता है। इंटरनल ऑडिटर कौन कौन से? क्वालिटी मैनेजर है और एसएम मास्टर है। एसएम मास्टर किसकी ऑडिट करते हैं? एक्सआरएफ क्वालिटी और सैंपलिंग और टॉप इन टॉप मैनेजमेंट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की सबकी ऑडिट करता है। क्वालिटी मैनेजमेंट की ऑडिट करता है। एसए सेक्शन में कौन से आते हैं? एसए मास्टर आता है और एसए टेक्नीशियन आता है। दो लोगों की ऑडिट क्वालिटी मैनेजर करता है। ठीक है, ये फाइल नंबर 9 हो गई। अब हमारी है नेक्स्ट फाइल, फाइल नंबर 10। इसमें हमारा फाइल नंबर 10 2012 के लिए आंसर उसी पर है। अपॉइंटमेंट लेटर एंड बायोडाटा की फाइल होगी। देखो अपॉइंटमेंट लेटर एंड बायोडाटा लिखो। वहीं पर है शायद, वहीं पर है नीचे? नहीं, यहीं पर। फाइल नंबर 4, 3, 10 तो फाइल नंबर से अपॉइंटमेंट लेटर एंड अगर आप किसी को जो अपॉइंटमेंट लेटर एंड बायोडाटा की फाइल वीडियो चल रही है। ठीक है, इसमें अपॉइंटमेंट जब जितने बंदे होंगे उनके सबके अपॉइंटमेंट लेटर बायोडाटा की फाइल है। जितने भी आपके पास अपॉइंटमेंट है, जैसे किसी डिलीवरी इंचार्ज है उसका सर्टिफिकेट, एक्सआरएफ इंचार्ज का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 10+2 कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। पार्टी मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। और आपका एक्सआरएफ इंचार्ज 10+2 बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। सैंपलर क्या 10+2+ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपके पास लेजर मार्किंग इंचार्ज होता है, उसको 10+2+ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। आपका ऐसे मास्टर ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री होना चाहिए, बेसिक इन केमिस्ट्री होना चाहिए। आपका ऐसे टेक्नीशियन भी बेसिक इन केमिस्ट्री होना चाहिए। तो उनके सर्टिफिकेट यहाँ पे होने चाहिए। सारे बंदे आपके क्वालिफाइड होने चाहिए। फाइल नंबर 10 में अपॉइंटमेंट लेटर है, बायोडाटा की फाइल है। इसमें और कुछ पूछना है आपको? नो सर। नेक्स्ट फाइल है फाइल नंबर 11। नेक्स्ट फाइल है फाइल नंबर 11। इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट की फाइल। इसमें क्या होता है? आपका एसआरएम स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल का टेस्ट सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि एसआरएम स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल दिखाया था आपको, इसमें 5 कैटेगरी के हमने गोल्ड की प्योरिटी लिखा है, जैसे कि हमारे हॉलमार्किंग में है। और इसमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जितनी हमारी मशीन कैलिब्रेट की, इसमें ट्यूबुलेशन फर्नेस होता है, मेल्टिंग फर्नेस, एनीलिंग फर्नेस, थर्मामीटर, माइक्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का कैलिब्रेशन होता है, वेट बॉक्स का कैलिब्रेशन होता है, हमारे माइक्रो बैलेंस का कैलिब्रेशन, हमारे बैंक बैलेंस जो रिसेप्शन बैलेंस है, वो सारे की सारी कैलिब्रेशन की सर्टिफिकेट इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, और क्या है हमारे सीआरएम सर्टिफाइड रिटर्न मटेरियल गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड, वो एनपीएल लैब से टेस्टेड होने चाहिए। एनपीएल मतलब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से टेस्टेड होने चाहिए। हमारे क्या क्या टेस्टेड होने चाहिए? हमारे जो कैलिब्रेशन क्या होने, कहाँ से होने चाहिए? एनपीएल लैब से होने चाहिए। एनपीएल मतलब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से टेस्टेड होने चाहिए। हमारे एसआरएम कहाँ से टेस्टेड होने चाहिए? एसआरएम मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल। स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल हमारे कहाँ से टेस्टेड होना चाहिए? एनपीएल लैब से। और हमारा सीआरएम कहाँ से टेस्टेड होना चाहिए? वो भी हमारा है। इसमें कुछ और फाइल नंबर 11 को बोलते हैं कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। इस फाइल में आपको कोई डाउट है? कैलिब्रेशन मैंने आपको कल भी बताया, लिस्ट बनवाई थी तो आपको डिटेल में समझाया था। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, इसको रखो। फाइल नंबर 12 आएगा। फाइल नंबर 12 में क्या है? हमारा परचेज के बिल, जितने भी हमारे बिल्स हैं, जो भी हम परचेज करेंगे उनका बिल होगा। परचेज बिल की फाइल हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे परचेज के बिल की फाइल है। जब भी हम परचेज, इसको परचेज मशीन से करके इस पर लगाना है। और
बिल की फाइल में जा रहा है जो भी आप परचेज करोगे इसमें फाइल आप फाइल नंबर 13 फाइल नंबर 13 मतलब इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन में जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हम अपनी अपने प्रोफेशन टेस्ट करने के लिए इंटर लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक सैंपल लेते हैं, किसी भी प्योरिटी का सैंपल ले सकते हैं, उसको हम अपने यहाँ भी टेस्ट करते हैं, अपने आईएसटी मास्टर से टेस्ट करते हैं और 5 आउटसाइड लेबोरेटरी से भी टेस्ट करवाते हैं। इससे हमारे क्या पता था, हमारे एसएमएस मास्टर और हमारे सेंटर की प्रोफिशिएंसी पता चलती है। मतलब हम टेस्ट करते हैं, बाकी जो आउटसाइड के टेस्ट करते हैं उनका उनसे रिजल्ट हमारा मैच करता है तो हमारी प्रोफिशिएंसी अच्छी है। अगर हमारे टेस्ट में बाकियों से ज़्यादा वेरिएशन आता है तो हमारी प्रोफिशिएंसी ठीक नहीं है, तो हमें अपने ऐसे मास्टर को अपने सेंटर को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए हम ट्रेनिंग लेंगे। तो ये है इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन की फाइल फाइल नंबर 13। इसमें और कोई डाउट है आपको प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग में, कोई प्रोफिशिएंसी साल में क्या है, एक बार करते हैं। हाँ सर, ये किसके द्वारा होती है? ये पार्टी मैनेजर करवाता है, एक सैंपल लेता है। हाँ, और ऐसे मास्टर को देता है, ऐसे मास्टर को देता है सैंपल, उसमें से थोड़ा टुकड़ा काट के और 500 मिलीग्राम और 5 बाहर की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाता है। अब सबको उनका सब रिजल्ट आ जाता है, सबके सर्टिफिकेट देके उसका रिजल्ट आता है, उसमें क्या 0.550 के से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अगर 0.5 से ज़्यादा का वेरिएशन आता है तो हमारा ऐसे मास्टर प्रोफिशिएंट नहीं है, अगर 0.5 के अंदर ही वेरिएशन आता है तो हमारा ऐसे मास्टर क्या है, प्रोफिशिएंट है। यानी कि सर यहाँ अपनी लेबोरेटरी में देकर 5 जगह और वो सैंपल देता है और सारे सैंपल्स को मतलब वेरीफाई करता है एक दूसरे से, एनालाइज करते हैं हमारा वो सारे जो बाहर के रिजल्ट हैं उनका रिजल्ट और हमारा रिजल्ट मैच करना चाहिए। ओके सर, का मतलब हम प्रोफिशिएंट कंफर्म हो गया। फिर हमारा फाइल नंबर 14 है, 14 नंबर क्या है, फाइल है बीआईएस कॉरेस्पॉन्डेंट। जैसा कि हमने बीआईएस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बीआईएस से हमारा लेटर आएगा, बीआईएस से हम क्या जो भी लेटर देंगे, जैसा कि हमने एप्लीकेशन दिया है बीआईएस को, हमने क्या जो एप्लीकेशन दिया है उसमें जो जो क्या क्या चीजें भेजी है ये सारी चीजें हमने रखी हुई है। ये बीआईएस को हमने 1,06,200 रुपए फी दी है, फी में क्या एप्लीकेशन फी इंक्लूड है, ऑडिट फी इंक्लूड है, रिकग्निशन फी इंक्लूड है। जो हमारा रिकग्निशन होता है 3 साल के लिए होता है, तो बीआईएस में हमारा भी प्री रिकग्निशन है, 1,06,200 रुपए की फीस ली हुई इंक्लूडिंग जीएसटी, तो उसकी रिसीप्ट इसमें रखी हुई है। ये बीआईएस द्वारा हमें मिलता है? हाँ मिला, जितने बीआईएस से पेपर हमें होंगे या तो हम बीआईएस को पेपर देंगे वो सारे पेपर इसमें रखेंगे। ये प्रक्रिया सर, जो कभी भी हम बीआईएस को या तो कोई चीज डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसकी एक कॉपी इसमें रखेंगे, या तो बीआईएस हमें देगा उसकी कॉपी इसमें बचा के रखेंगे, कितने साल तक, 3 साल के लिए। ओके सर, हाँ कुछ और क्या पूछो। यानी कि सर जब हम अपना होल मार्किंग सेंटर ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम बीआईएस को लेटर भेजते हैं और एप्लीकेशन देते हैं, का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है। ओके सर, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है, फिर जब वो फी पे करते हैं तब ये हमें रिसिप्ट मिलती है। अब हमारा कुछ दिनों में ऑडिट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं? No, जितने भी डॉक्यूमेंट हमने बीआईएस को सबमिट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें है, इसको भी बीआईएस करेस्पॉन्डेंट होते हैं, फाइल नंबर 14 बीआईएस करेस्पॉन्डेंट। यस सर, मतलब तो हमारे साथ बीआईएस का जो भी डॉक्यूमेंट का लेना देना होता है जी इस फाइल में है, बीआईएस नंबर फाइल नंबर 14, ठीक है। अब हमारा फाइल नंबर 15 है रजिस्ट्रेशन लेके, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे हमारा रेंट एग्रीमेंट होगा, ठीक है, हमारा पार्टनरशिप डीड होगी, जीएसटी सर्टिफिकेट होगा, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होगा, जितने हमारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो सारे इस फाइल में हैं। यानी कि सेंटर से रिलेटेड जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट हो, पार्टनरशिप से लेके सेंटर तक के लीगल डॉक्यूमेंट इसमें मौजूद हैं। हमारे लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पॉल्यूशन का कंसेंट, जीएसटी सर्टिफिकेट और हमारे बैंक की जो अकाउंट नंबर, ये सारे इसमें हैं। तो ये क्या है, लीगल फाइल, रजिस्ट्रेशन है लीगल की फाइल, हमारे जितने रजिस्ट्रेशन है लीगल है, हाँ, उसके डॉक्यूमेंट है इसी में रखे हुए हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास है फाइल नंबर 16 बीआईएस स्टैंडर्ड, फाइल नंबर 16 बीआईएस स्टैंडर्ड वहीं पे हो गया अलमीरा में,
क्योंकि वो निकली थी ना सर। तो ये है बीआईसी स्टैंडर्ड का फाइल। हमारे पास क्या है बीआईसी स्टैंडर्ड कौन कौन से आईएसओ 15820-2009 हो जाएगा। जनरल क्वालिफिकेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑपरेशन ऑफ एसिंग एंड हॉल मार्किंग उसका नाम है। क्या मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड आईएसओ 15820 उसका नाम है। जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एसिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर और आईएसओ 1417 ठीक है और आईएसओ 1418 इसमें होने चाहिए ठीक है। आईएसओ 1417 क्या है, गोल्ड एंड गोल्ड एलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट फाइनेंस एंड मार्किंग स्पेसिफिकेशन। स्वर्ण या स्वर्ण मिश्र धातु आभूषण शिल्पकारी शुद्धता या मोराकन की विशेष। गोल्ड एंड गोल्ड एलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट फाइनेंस एंड मार्किंग स्पेसिफिकेशन ये उसको क्या बोलते हैं आईएसओ 1417। इसके बाद हमारा दूसरा आईएस क्या है IS 15820 जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एसिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर। इसके बाद है IS 1418 डिटरमिनेशन ऑफ गोल्ड इन गोल्ड बुलियन एलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट। सर ऑडिटर इन सब की भी जानकारी लेता है? हाँ ऑडिटर मांगेगा आपका अपने स्टैंडर्ड रिकॉर्ड, स्टैंडर्ड मतलब इंडियन स्टैंडर्ड IS जो हमारी गोल्ड की मार्किंग सेक्शन की बुक है वो IS 1417 है जो हमारा हॉल मार्किंग किस कैसे चलता है उसकी जानकारी किसमें आईएसओ 15820 में है। हम गोल्ड की टेस्टिंग का प्रोसेस कैसा है उसमें किसने दिया आईएसओ 1418 में दिया। तो हमारे तीनों आईएस इसमें है। इसी में अब हमारे पास एक 17 नंबर की फाइल है जी सर और इसमें क्या है ईबीआईएस लाइसेंस है ज्वेलर लाइसेंस। हम ज्वेलर जब आएगा उसकी लाइसेंस की कॉपी लेंगे इसमें रखेंगे ठीक है। और बीआईएस की अंडरटेकिंग जो भी लेंगे बीआईएस का क्या है जीएसटी सर्टिफिकेट ज्वेलर का जीएसटी सर्टिफिकेट लेंगे बिल बनाने के लिए तो वो सारे जितने भी ज्वेलर के डॉक्यूमेंट होंगे ये इसमें रखेंगे। इसके हमारे पास फाइलें और हैं जिसमें क्वालिटी मैनुअल हम बनाते हैं तो उसकी चार कॉपी बनाते हैं। पहली कॉपी क्या है उसकी जीरो कॉपी होती है ठीक है मास्टर कॉपी बोलते हैं मास्टर कॉपी और मैनुअल फॉर्मेट। इसके अलावा हम तीन कॉपी और बनाते हैं ठीक है फिर जीरो कॉपी क्या है मास्टर कॉपी है फिर फाइल नंबर कॉपी नंबर वन होती है ठीक है सीईओ की कॉपी फिर कॉपी नंबर टू होती है क्वालिटी मैनेजर की कॉपी फिर क्वालिटी कॉपी नंबर थ्री होती है किसकी एसए मास्टर की कॉपी फिर चौथी कॉपी बीएस की कॉपी। बीएस की कॉपी हमने बीएस को सबमिट कर दी है। अभी हमारे पास कितनी क्वालिटी मैनेजर मैनुअल की कितनी कॉपी है चार एक जीरो नंबर कॉपी है एक वन नंबर कॉपी है दो नंबर की कॉपी वन नंबर कॉपी किसको इशू किया गया है सीईओ को पार्टनर को दूसरी कॉपी किसको इशू किया क्वालिटी मैनेजर को तीसरी कॉपी किसको दी एसए मास्टर को चौथी कॉपी हमने बीएस को दी है। तो मैनुअल वर्क की कॉपी कितने बनाते हैं चार पांच एक बीएस को चली जाती है जो मास्टर कॉपी होती है। इसके अलावा कॉपी नंबर वन होती है जिसको इशू किया जाता है सीईओ की पार्टनर को इशू करते हैं दूसरी कॉपी क्वालिटी मैनेजर को इशू करते हैं तीसरी कॉपी किसको करते हैं मतलब कोई भी कंप्लेन नॉन कंफर्मिटी होती है जब ऑडिट करोगे उसमें कोई आपको क्या है नॉन कंफर्मिटी आती है तो उसमें क्या नॉन कंफर्मिटी रजिस्टर में एंट्री करते हो। फिर इसके बाद दूसरा रजिस्टर होता है उसका बोलते हैं स्टॉक रजिस्टर रजिस्टर नंबर 14 होता है या 14 निकालते रहो रजिस्टर देखना है तो या 12 रजिस्टर होगा नॉन कंफर्मिटी रजिस्टर इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे हमने लेबल करा सब कुछ ले नॉन कंफर्मिटी रजिस्टर बोलते हैं रजिस्टर बोलते हैं कस्टमर की तो उसको बोलते हैं इस कंप्लेंट को कस्टमर कंप्लेन करता है तो कंप्लेंट वाले रजिस्टर में एंट्री करते हैं। अभी हमारे कोई कस्टमर आया नहीं क्योंकि हमारा न्यू सिस्टम है तो कंप्लेंट रजिस्टर अभी नहीं भरा जाएगा। फिर इसके बाद होता है 14 नंबर
12 के बाद कौन सा है 14 नंबर रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर हम क्या है स्टॉक रजिस्टर तो इसमें गोल्ड सिल्वर कॉपर जो हमारे सीआरएम में डिस्टिल्ड वाटर नाइट्रिक एसिड का रिकॉर्ड रखा हुआ ठीक है यानी कि हमारे सेंटर में जितने भी स्टॉक हैं उसका रिकॉर्ड यहां पर रखा जाएगा तो सर इसमें कैसे कैसे रिकॉर्ड रखे जाएंगे किस किस स्टॉक के इसमें गोल्ड का हाँ सिल्वर का कॉपर का लेड का नाइट्रिक एसिड का डिस्टिल्ड वाटर का क्यूफेल का सल्फ्यूरिक एसिड ये पांच चीजों का स्टॉक ही पार्टी मैनेजर का रजिस्टर है जब पार्टी मैनेजर खरीदेगा अपने रजिस्टर में एंट्री करेगा इसी रजिस्टर से आपको थोड़ा सा माल उसको दे देगा एसी मास्टर को एसी मास्टर वाला रजिस्टर है F28 कंजम्पशन रजिस्टर जब उसके बाद खत्म हो गया फिर आप इसको यहाँ से इस रजिस्टर में से दोगे और अपनी एंट्री कर लोगे ठीक है अब इसके बाद हमारा रजिस्टर होगा 18 नंबर रजिस्टर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस रजिस्टर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस रजिस्टर है जैसे हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट है कभी ब्रेकडाउन होता है ब्रेकडाउन अगर होता है तो लिखोगे अगर नहीं ब्रेकडाउन होता है तो प्रिवेंटिव मेजर मेजर करने के लिए उसकी जनरल क्लीनिंग सेफ्टी क्लीनिंग करवा लो रोलिंग मशीन में वाली ग्रीसिंग कर लो जिससे खराब ना हो अगर कोई आपका सीसीटीवी कैमरा कभी खराब होता किस पीरियड से किस पीरियड तक खराब रहा वो डिटेल इसमें लिखनी है जो बी आई एस आएगा तो अगर सीसीटीवी कैमरा आपका चेक किया जाएगा अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं चलता हो पाएगा तो आपकी अगेंस्ट कार्रवाई सरकारी कार्रवाई की जाएगी और आपका सेंटर बंद भी हो सकता है आपकी जब तो भी मशीनें खराब होती हैं तो इस रजिस्टर में मेंटेन करना आता है यानी कि सेंटर में आपकी एम्प्लॉय भी चेंज होता है तो उसको मेल भेजनी भी है और जब कोई भी इक्विपमेंट खराब होता है तो ब्याज को मेल बॉय भेजनी है और इस रजिस्टर में एंट्री हो लेकिन एम्प्लॉय वाला चेंज करते हैं उसमें नहीं सिर्फ इक्विपमेंट ब्रेकडाउन का डिटेल इसमें रहेगा यानी कि सर हमारे हॉलमार्किंग सेंटर में अगर कोई भी चीज़ जैसे इक्विपमेंट में कोई भी चीज़ ख़राब होती है जितने जितने से जितने पीरियड तक उसका रिकॉर्ड इसमें लिखा जाएगा प्लस बीआईएस को एक मेल भेजा जाएगा कि हमारा इक्विपमेंट ये सीरियल नंबर वाला ख़राब है हाँ तो बीआईएस द्वारा उसका उसको कोई मदद मिलती है सर नहीं कोई मदद मिलेगी आपको ठीक जब ठीक हो जाए बस दोबारा जब ठीक हो जाए तो सर क्या क्योंकि अगर मशीन खराब बीआईएस वाला आ जाता है तो मशीन खराब आपने बताया नहीं आपका सेंटर बंद कर सकते तो क्या सर मशीन जब ठीक हो जाए तो दोबारा हमें कोई मेल भेजना नहीं होता कि हमारी मशीन ठीक हो गई इस पीरियड से इस पीरियड तक हमारी मशीन खराब थी मेल डालना अच्छा सर और कोई अगर बाय चांस ऑडिट के पहले कोई स्टाफ चेंज होता है तो क्या हमें बीआईएस को इन्फॉर्म करना पड़ता है अगर कोई अभी हमने ट्रेनिंग दी है देखिए हमने इक्विपमेंट ले एम्प्लॉई लिस्ट बना ली है अगर कोई छोड़ के जाता है तो हमें बीआईएस को मेल डालना ओके ठीक है अब रजिस्टर नंबर 19 होगा क्यूसी ऑफ रिसीव मटेरियल क्यूसी ऑफ रिसीव मटेरियल जैसे हमारे रिसीव मटेरियल डिस्ट्रिक्ट वाटर नाइट्रिक एसिड सीआरएम एसआरएम ले तो लिया है तो उसको लिखोगे हमने क्या किया लिया उसकी प्योरिटी क्या थी वो सारा इसमें लिखेंगे ठीक है तो जो भी आप मटेरियल खरीदोगे जो कंज्यूमर मटेरियल डिस्टिल वाटर नाइट्रिक एसिड सीआरएम एसआरएम सारा लिखोगे और फिर अब विदाउट उसमें क्या है टेस्टिंग किए उसको हम कोई भी जो नया मटेरियल कंज्यूमर मटेरियल खरीदेंगे विदाउट टेस्ट उसको यूज नहीं करेंगे लैब में अगर यूज करेंगे तो हमारा सब स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाएगा हमारा टेस्ट खराब होगा और हमारे टेस्टिंग की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा ठीक है अब इसके बाद सर तो जो जो मतलब डिजिटल वाटर या एसिड वगैरह आता है उनको हम पहले चेक करेंगे और उसकी क्वालिटी इसमें लिखेंगे हाँ उसको डिस्ट्रिक्ट वाटर उसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं अगर उसमें व्हाइट पिगमेंट नहीं आता मतलब ओके है हम लैब में यूज कर सकते हैं उसमें व्हाइट पिगमेंट आ जाता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से तो उसको खराब है उसको लैब में यूज नहीं करेंगे नया मंगाएंगे ओके सर ठीक है और कुछ इसमें डाउट है इसमें सर इसमें ये भी पूछना था हमें जैसे कि सीआरएम एसआरएम जो भी आता है उसका जो टेस्टिंग है ये किसके द्वारा होगा वो टेस्टिंग है एक डिस्ट्रिक्ट वाटर की सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं सीआरएम की टेस्टिंग हमें यानी बीएल लैब से करवाना पड़ेगा एसआरएम की टेस्टिंग हमें यानी बीएल लैब से करवाना पड़ेगा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाटर और क्या है नाइट्रिक एसिड को हम सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं ओके सर डाउट इज क्लियर उसके लिए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होना चाहिए ओके सर डाउट क्लियर हो गया
फाइल नंबर रजिस्टर नंबर 20F20 क्वालिटी प्लान का रजिस्टर है। क्वालिटी प्लान में रजिस्टर जैसे कि हम क्या एक हमारे पास बेड बॉक्स है उसको बेड बॉक्स एसआरएम के लिए हमारे एसआरएम लिए उनको एसआरएम 10-10 रीडिंग लेंगे और इस पर लिखेंगे ठीक है जिससे हमें पता है अगर हमारा एसआरएम खराब हुआ तो गलत रीडिंग आई मतलब ज्यादा डिफरेंस आता मतलब हमारे एसआरएम को कैलिब्रेट करवाने की जरूरत है तो इंजीनियर बुला के उसको ठीक करवाएंगे। तो ये रजिस्टर XRF मशीन के लिए है सर XRF मशीन के लिए और बैंक बैलेंस के लिए बैंक बैलेंस की रिपीटेबिलिटी टेस्ट करने के लिए ये सर जब भी टेस्ट करेंगे इसमें लिखेंगे ये हमें डेली XRF का रिजल्ट हमें डेली चेक करना होता है उसको डेली भरना पड़ेगा ठीक है। तो सर वो कैसे मतलब भरा जाएगा भरना मैं बता दूंगा थोड़ी देर में ठीक है। अब हमारा रजिस्टर नंबर F21 है F21 तो कार्टी मैनेजर आप भरते ही हो जी उस रजिस्टर से तो आपको वेरी मच अवेयर हो उसमें सारे डिटेल्स गोल्ड सिल्वर कॉपर लेट इसी तरह से गोल्ड सिल्वर कॉपर की लेट रजिस्टर है एसी मास्टर आप ये डेली भरेगा ये रजिस्टर कौन भरेगा एसी मास्टर भरेगा और आप उसको चेक करोगे डेली भर रहा है कि जो चीज जैसे देता है सिल्वर लेता है कॉपर लेता है लेड लेता है उसकी कंजम्पशन इसमें दिखाएगा ट्यूबवेल कितनी यूज की जी। वो डेली का डेली ये भरेगा ओके वो अभी भरना तो समझा दूंगा इसको सारे अब इसके बाद ना रजिस्टर है F34 नॉन कॉन्फर्मिटी रजिस्टर नॉन कॉन्फर्मिटी रजिस्टर जैसे आप ऑडिट करते हो कोई नॉन कॉन्फर्मिटी मिलती है तो उसमें ये भरा जाएगा ठीक है ये भरना बता दूंगा फिर जैसे हमने ऑडिट करनी कोई भी एनसी नहीं मिलता तो ये डेट किस दिन ऑडिट किया नील नील मेल भरा था हमने ना ऑडिट रिपोर्ट में इसी तरह से उसको नील मेल कर देंगे ठीक है कोई डाउट है इसमें यस सर मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। नॉन कंपनी रजिस्टर कब भरा जैसे हमने इंटरनल क्वालिटी ऑडिट किया उसमें कोई हमें खराबी मिली उसको बोलते हैं एनसी नॉन कंपनी जो काम सही नहीं हुआ उसको नॉन कंपनी बोलते हैं। सर इंटरनल ऑडिट करना यानी कि हम सारे स्टाफ को चेक करेंगे कि हाँ, कौन कैसा का वर्क कर रहा है हाँ तो गलतियां कर रहा है तो गलतियां उसमें लिखी जाए। अच्छा अगर कोई गलती नहीं है तो हम नील नील इसके बाद है हमारा कंफर्मेशन कंडीशन रजिस्टर 35 हॉलमार्किंग चार्जेस रजिस्टर जब हम हॉलमार्किंग शुरू कर देंगे अभी हमारी हॉलमार्किंग नहीं हो रही जब हमारी हॉलमार्किंग शुरू हो जाएगी तो हम ज्वेलर से चार्जेस लेंगे ₹45 पर पीस 18% जीएसटी और उसमें 10% जीएसटी में क्या बीआईटी प्रोवाइड कर दिए वो कार्ड इसमें हम रखेंगे यानी कि जो 18% जीएसटी होते हैं उसमें से 10% बीआईटी को हमें देना पड़ेगा जितना भी हम लेने का काम करेंगे उसका 10% रॉयल्टी हमें बीआईटी को भी देना होगा। अच्छा तो हमने 1,00,000 का काम किया तो मतलब कितना पर 1,00,000 का 10% कितना हो 10,000 प्लस 18% जीएसटी हमें बीआईएस को वापस करनी होती है उसका जो यूज करते हैं वो एज ए रॉयल्टी रहता है। तो सर उसकी कोई स्लिप हमें मिलती होगी ना। हाँ स्लिप मिलती है बीआईएस उसको रिसीव देता है उसका जो भी डिटेल होगा इसमें नोट किया जाएगा और वो बिल हमारा बिल फाइल में जाएगा जो बीआईएस का रिफंड रजिस्टर बताया था ना बीआईएस का रिफंड वाले में रखोगे बीआईएस से लेटर आया बीआईएस का रिफंड में रखोगे बिल वाली फाइल में नहीं रखोगे फाइल नंबर 14 में। अच्छा बीआईएस से रिलेटेड जो भी आएगा बीआईएस वाले फाइल नंबर 14 में जाएगा। इसके बाद आपका 36 वाला रजिस्टर आपने पहले ही मुझे दे दिया ठीक है ये हम इसमें एनवायरमेंटल कंडीशन है हमें एएम टेंपरेचर पीएम टेंपरेचर स्क्रबर का पीएच नोट करते हैं वो नोट करके रखेंगे इसको ठीक है। ये कौन नोट करता है सर। ये एसए मास्टर और एक अटेंडेंस रजिस्टर होगा आपके पास। यस सर अटेंडेंस रजिस्टर हम डेली भरेंगे। ये कौन भरेगा सर। ये आप पार्टी मैनेजर भरेगा अटेंडेंस रजिस्टर इसमें मैंने ये फॉर्मेट बना दिया है हर महीने ये फॉर्मेट अभी मार्च का मैंने बनाया था आपके लिए तो ये इस आप पार्टी मैनेजर भरो या भरवाओ आप किसी को ड्यूटी दे सकते हो पार्टी मैनेजर आप खुद भरो या किसी से भरवाओ ठीक है। इसके बाद आता है अकाउंट लेजर। सर ये कौन संभालता है अकाउंट लेजर। ये एक आपका पार्टी मैनेजर जिससे आपने ज्वेलर से जितने पैसे ले हुए इसको नेम ऑफ ज्वेलर जैसे हमारे बैंक की पासबुक होती है पासबुक की एंट्री होती है ज्वेलर से कितने सीरियल नंबर नेम ऑफ द ज्वेलर पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट बैलेंस अपने कितना
क्रेडिट का बाद ज्वेलर ने कीजिए क्रेडिट होगा, बैलेंस फिर लेते जाओगे बैलेंस करते जाओगे, अगर इसमें आपने लेना है तो आपने अपने मालिक को पैसे वापस कर दिए तो यहाँ से डेबिट कर दो। एक सेकंड सर, यानी कि हर रोज जो ग्राहक आते हैं ज्वेलर्स, उनका पैसा इसमें लिखा जाएगा। तो सर क्या ये रजिस्टर हम रिसेप्शन पर दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, क्योंकि पार्टी मैनेजर किसी भी भरवा सकता है। पार्टी मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है, पार्टी मैनेजर खुद भरे या किसी से भरवाए वो इसकी रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि क्वालिटी मैनेजर रिसेप्शन पर बैठता नहीं है। हाँ तो पार्टी मैनेजर घूमता रहता है ना, तो हाँ जाता तो है ना उसके पास, तो चेक कर सकते हैं, बस कर सकता है, उसको चेक करना सारे रजिस्टर प्रॉपर भरे जा रहे हैं नहीं भर रहे हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी मैनेजर की। ओके सर, और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं सर। ठीक है, अभी हम सर समराइज कर लेते हैं। क्या पहले सबसे पहला काम रिसीविंग का होता है, रिसीविंग के बाद सामान कहाँ जाता है? क्वालिटी मैनेजर के पास। क्वालिटी मैनेजर उसको क्या है एंट्री करता है अपने रजिस्टर में, फिर रजिस्टर में एंट्री करने के बाद किसको देता है? XRF मैसेज देता है, XRF इंचार्ज अपना काम करके किसको देता है? क्वालिटी मैनेजर को। क्वालिटी मैनेजर अपना काम करके किसको देता है? सैंपलर को। सैंपलर अपना काम करके किसको देता है? क्वालिटी मैनेजर को। क्वालिटी मैनेजर फिर किसको स्क्रैप ज्वेलरी को अपने पास सेफ में रख लेता है, और स्क्रैप को किसके दे देता है? एसिंग मास्टर को देता है। एसिंग मास्टर अपना काम करके रिजल्ट फिर किसको रिपोर्ट करता है? क्वालिटी मैनेजर को। क्वालिटी मैनेजर रिपोर्ट लेके अपनी ज्वेलरी को लेके और क्वानेट बैलेंस सैंपल लेके जाता है रिसीविंग एंड डिलीवरी के पास, फिर एक इनवॉइस एंड डिलीवरी चालान जनरेट करवाता है, फिर लास्ट में क्या ज्वेलरी को हैंड ऑफ ज्वेलरी प्लस बैलेंस सैंपल प्लस क्वानेट कस्टमर को वापस हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया थी हॉलमार्किंग सेंटर की। अगर अभी कुछ भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते। सर हम ये पूछना चाहते हैं, जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो जो सैंपल वाले में से CA वाला होता है वो क्वालिटी मैनेजर अपने उसमें रख लेता है फाइल में, वाली फाइल में लगा के रख लेता है। हाँ हमारा जो ISO 15020 की रिक्वायरमेंट है कि आपको 30 दिन की फायर 30 दिन की नहीं 30 ऐसे का 30 टेस्टिंग जो करी है लास्ट 30 टेस्टिंग की CA कोल्ड आपके पास पड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो BIS कभी भी आपको सरप्राइजिंग ऑडिट में चेक कर सकता है, और आपके कैमरे की रिकॉर्डिंग 30 दिन की होनी चाहिए। और सर क्या नाम है वही, उसके बाद जितना उसका सैंपल प्लस ज्वेलरी वापस की कर दी जाती है। ओके सर, ठीक है, तो ये थी पूरी हॉलमार्किंग की प्रक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मैं चलता हूँ, हम एक बार आपके सेंटर की रिव्यू कर लेते हैं, आपका सेंटर कैसा दिखता है। आपका सेंटर काफी अच्छा लगा हमें देख के। आपको अपने पहले हम आपके रिसेप्शन पे चलते हैं। मैम रूबी आ जाओ, आ रही रूबी। मैम कम फास्ट। तो हेलो ज्वेलर भाई, ये हमारा नया प्रोजेक्ट है, ये नए हॉलमार्किंग सेंटर की सेटअप करवा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं एक प्रताप यादव हूँ, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हॉलमार्किंग सेंटर सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ। ये मेरा नया प्रोजेक्ट है, मैं नई कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। ये हमारे नया सेंटर आ गया है, हमारे नए सेंटर का रिसेप्शन है, और ये हम रूबी मैडम है। रूबी मैडम ये हमारी क्या है रिसीविंग एंड डिलीवरी इंचार्ज है। रूबी मैडम आप बोलना चाहोगे कुछ? बोलो रिसीविंग और डिलीवरी का चार्ज हूँ, और यहाँ पर जो अपने कस्टमर से वो डिटेल पूछती है। क्या क्या डिटेल पूछते हो आप? पहले तो पूछते कि हमारे जो कस्टमर है, हमारे दो तरह के कस्टमर हो सकते हैं, एक तो परचेजर और फॉर्मल ज्वेलिंग जिसे कंज्यूमर बोलते हैं, और एक है हमारा ये BIS लाइसेंसी ज्वेलर। भाई पूछेंगे कि आप लाइसेंसी ज्वेलर हो, हॉलमार्क आप किस पर्पज के लिए हो, हॉलमार्किंग पर्पज के लिए आए होंगे कि टेस्टिंग के लिए। अगर वो बोलते हैं मैं हॉलमार्किंग करवानी है तो उसका आइडेंटिटी चेक करेंगे, उसके हॉलमार्क
लाइसेंस की कॉपी लेंगे और उसको www.manakonline.in पे क्या है वेरीफाई करेंगे। अगर वेरीफाई स्थिति में उसका ज्वेलिंग मिलता है तो हम उसकी ज्वेलिंग को रिसीव करेंगे आफ्टर वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद मतलब कोई तो नहीं है, लेकिन हम वेरीफाई हमारे वेरिफिकेशन नहीं है। जब हम अभी हम क्या हम अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हमारे वेरिफिकेशन मिल जाए तब हम ज्वेलर को ज्वेलिंग एक्सेप्ट करेंगे, अभी हमारा ज्वेलिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा रिकग्निशन नहीं है। ठीक है मैडम, तो ये हमारा रिसेप्शन काफी अच्छा बना हुआ है, एसी एसी खूब बढ़िया लगा हुआ है मैडम। एसी एसी की हवा आती है आपको? बिल्कुल आती है। चलो अब हमने ये यहाँ पे हमारे एलईडी लगा हुआ, आपके एलईडी चल नहीं रही है, चला चलवा के दिखाओ इसको। एलईडी ऑन है, चल नहीं रही है, रिमोट तो ये रिमोट है, ये ऑन हो गया है सर, ऑन हो गया। हाँ अभी ऑन हो गया है, अभी चला के दिखाते हैं आपको। मैम ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, कैमरा चलते रहने चाहिए, देखा कीजिए। टीवी स्टार्ट हो रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, पूरी थोड़ा हमें पेशेंस के साथ इसको देखना पड़ेगा। हमारा पूरा एंड्रॉइड टीवी है, बढ़िया। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है सर? बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है देखिए आपका हमारा ये हो गया, अभी क्या है, ओके ओके हो जाएगा सर। मीडियम पे यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक लॉक भी लगा हुआ है, बढ़िया से इलेक्ट्रिक लॉक यहाँ से खोलोगे खुल जाएगा। तो हमारे हॉलमार्क सेंटर में इलेक्ट्रिक लॉक होना जरूरी है, वहाँ मैडम रिमोट लगाएंगी, कस्टमर दरवाजा खुल जाएगा। कस्टमर आई है, रूबी मैडम है यहाँ पे, रूबी मैडम हमारे पास ऊपर रखा हुआ है, जब लॉक आएगा तो यहाँ से खोलना रहेगा, कस्टमर आएंगे हम लॉक। रूबी मैम काफी अच्छी है, यहाँ की काफी काफी सारा काम संभालती है। तो यहाँ पे वर्क इंस्ट्रक्शन सब कुछ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं रिसीविंग डिलीवरी का बोर्ड भी लगा दिया यहाँ पे, वर्क इंस्ट्रक्शन लगा दिया। रूबी मैडम यहाँ बैठी है, मैम पॉइंट कीजिए उसको खड़ी होकर। ये हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन है रिसीविंग का, कैसे करते हैं हमारे जो आइटम की क्या क्या आइटम है, आइटम की कोडिंग है, हमारी क्वालिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव लगी हुई है, और कौन कौन से क्रेडिट पे हॉलमार्किंग होती है, चला जूम करके दिखाओ वहाँ पे जाके। क्वालिटी पॉलिसी है हमारी, पहले पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्वालिटी पॉलिसी, आ रहे हॉलमार्किंग सेंटर इंस्ट्रक्शन, और कौन कौन सी हाइट पे मार्किंग होती है, कौन कौन सी प्योरिटी पे हॉलमार्किंग होती है, नीचे दिया हुआ है। चलो अब आ जाते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैडम, आपको अपना सेंटर दिखाने के लिए। आ जाओ, अब हम चलते हैं अपने इक्विपमेंट रूम में, हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं। अभी सर के बारे में भी बोल रहा है, फिर से सर। और ये हमारा लेजर मार्किंग डिपार्टमेंट है, और ये हमारा लेजर मार्किंग से अभी लेजर मार्किंग चल रही है, इसमें हम कुछ अपनी कटोरी पे नाम हम लिख रहे हैं, अभी हमारे लेजर मार्किंग नहीं करते हैं क्योंकि हमें लाइसेंस नहीं मिला है। तो हमारे ऐसे मास्टर को क्या कटोरी पे नंबर चाहिए था, इसलिए नंबरिंग की जा रही है। और चलो मैम, ये हमारा माइक्रो बैलेंस इधर है, ये माइक्रो बैलेंस है, यहाँ पे हमारा ऐसे मास्टर काम कर रहा है। ऐसे मास्टर कुछ बोलना चाहोगे आप इधर? नहीं अभी किसी और अभी बोलना नहीं चाहते। ये हमारा सारा न्यू वर्क इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, और ये क्वालिटी मैनेजर का ऑफिस है, थोड़ा मैनेजर बंद कर दो सर, आप भी हाई बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे ये हमारे सीईओ सर हैं। हाँ ये सीईओ हैं अजीत सर, कुछ बोलेंगे कुछ देशमुख देवकर, अजीत विश्वनाथ देवकर हैं, ये हम पार्टनर हैं। चलो और लेफ्ट है, यहाँ पे ड्यूप्लिकेशन फर्निश है, यहाँ पे स्क्रबर बना हुआ है, स्क्रबर इसलिए बनाते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्यूम आसानी से बाहर हो जाए, जो हमारे एनवायरमेंट को क्या है नुकसान ना पहुंचाए।
ये हमारा पार्टी ट्रे रखा हुआ है, ये जुबिलेशन फर्नेस है, ये मेल्टिंग फर्नेस है, और यहाँ पे एनिलिंग फर्नेस है, यहाँ हमारे ग्लास वेयर रखे हैं, ये पार्टी चैम्बर है, ये हमारा बोर्ड है जो एसिंग का प्रोसेस है, वो तो सारा हम अपने बोर्ड पे लिखते हैं, ये हमारी रोलिंग मशीन है, और ये हमारी क्वालिटी क्वालिटी लगा हुआ है, यहाँ हमारे फैन वहाँ लगा हुआ है जिससे हमें गर्मी वर्मी लगे तो हम फैन का आनंद उठा सकते हैं, ये हवा जाने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, ये हमारे ग्लास वेयर रखे हुए हैं, पार्टिंग वन पार्टिंग टू, हमारा ये मेजरिंग सिलेंडर रखा हुआ है, हमारा डिस्टिल वाटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये हमारे पे हैमर एनविल क्लीनिंग ब्रश है, यहाँ अंदर जाके हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम लेकिन कोई जरूरत नहीं है, और हमारे पास ये बकेट है, यहाँ पे सिलन आर्टिस्ट हमारे पास इकट्ठा होता है, उसको इकट्ठा करके रखते हैं, इसके बाद हम उसमें से उसको सिल्वर निकाल लेंगे। अब हमारा क्वालिटी मैनेजर है यहाँ पे, क्वालिटी मैनेजर से अब बात करेंगे, यहाँ पे आ जाओ बैठो क्वालिटी मैनेजर, हमारी अभी चाय वाले भैया आ गए हैं चाय पिलाने हैं, भैया हमें चाय पिला रहे हैं, धन्यवाद भैया आपको चाय पिलाने के लिए हमें, और ये अभी हम क्वालिटी मैनेजर का इंटरव्यू करेंगे, तो आपका स्वागत है सती चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हम यहाँ पर आर एन होल मार्किंग सेंटर में हैं और यहाँ पर हम क्वालिटी मैनेजर हैं, और सर ने हमें ट्रेन किया है, हर चीज़ों के बारे में बताया है कि यहाँ पर क्वालिटी मैनेजर की क्या क्या मतलब अथॉरिटी होती है, उनको क्या क्या करना होता है और क्या क्या वर्क होता है उनका हर फाइल के बारे में। जैसे कि अभी आपने देखा इस वीडियो में पहले कि सर ने हमें हर फाइल के बारे में, हर रजिस्टर के बारे में जानकारी दी, और यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट है सर ने उसके बारे में हमें पूरी क्लियरिटी से बताया है, और हम ये अगर आपको सर को आगे रिफर करना है तो आप कितना रेट दोगे सर को? हम सर 100/100 देंगे, और प्लीज सर के बताए गए नंबर पर उनके चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आप अपने हॉल मार्किंग सेंटर पर सर को बुलाना चाहते हैं तो उनको कॉल करें, उनसे संपर्क करें, और रूबी इधर आ, हाँ बोलो रूबी, तुम कुछ और बोलना चाहती हो इस मतलब सर के बारे में या कुछ रिव्यू? जी हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हमारी कोई गलती होती तो उसको सुधारते हैं, और हमारी अच्छा आप इस सेंटर में आपको काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सब स्टाफ मिलजुल कर रहते हैं। आपको क्या लगता है, आपको ये आपके फैमिली जैसा माहौल है कि? बहुत अच्छा माहौल है, फैमिली जैसे हैं, अच्छा एक दूसरे के हेल्प करते हैं, अच्छा और एंड गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सर के चैनल को, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हेलो जय हिंद जय भारत, जो घंटी हो जरूर दबाइएगा, चलो और बोलो कुछ बोलना, चलो।